निकाल रही है वहाँ पे चिड़िया को, अच्छे से पहुँच ना पाए। फिर घर ने कैसे सजाया दियो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों अभी जो है 5:35 हो गए सुबह की, तो अभी मैं जाऊंगा जिम में। मैं 5 उठा था, रेडी होने में आधा घंटा मुझे लग जाता है। इसके बाद जो है हम जिम जाएंगे और जिम से वापसी होगी, मैं 7:30 वहाँ चलूँगा। तो 7:45 के करीब जो है मैं यहाँ, आज जो है मेरी बैक और शोल्डर की एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो सीधा मैं आपको जिम में मिलूँगा, बाहर अंधेरा है। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason. दोस्तों अभी जो है मैं जस्ट जिम से आया हूँ, तो अभी क्या है 7:45 हो गए हैं, तो मैं जल्दी सी शेक पीता हूँ, फिर रावी हर को छोड़ के आता हूँ। You always gotta fight night from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can fly. All the bad for the good in my head when I'm lost. दोस्तों कूलर को जो पेंट है वो कर लिया है, बीच में बारिश आ गई थी, अभी भी जो है हल्की हल्की बारिश आ रही थी, इस वजह से जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। आज जो है गार्डनिंग का वीडियो शूट करके लाना है, बाहर से जंगल की तरफ जाऊंगा मैं, तो उधर से करके लाना है एक प्लांट के ऊपर, तो कैमरा लेके जाता हूँ मैं। ये देखिए कूलर जो है मैंने मेरे रूम का जो है वो रेडी करके रख दिया है, अभी इसको लगाएंगे नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। मैंने इतना अच्छा नहीं किया कलर वगैरह, मैं सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी कर दिया कि अगर कलर हो जाए, ज़्यादा सफाई से नहीं किया। अभी कैमरा उठाते हैं चलते हैं। दोस्तों धूप जो है तेज़ हो गई, थोड़ी देर पहले ऐसा होता था जैसे बारिश आने वाली जब अंधेरा हो जाता है, वैसे अभी तेज़ धूप स्टार्ट हो गई। क्योंकि वैसे अगर नॉर्मल डे हो तो 7 के लगभग जो है दिन छिपता है, यानी कि सूरज ढलता है, और अभी जो है इतने बजे ही जो है, अभी आई थिंक 5 चुके हैं, और मीनू दूध निकाल रही है वहाँ पे। मीनू आज जान देगी मैंने भीतर हैं नान दे। दोस्तों भैंस जो है मीनू अभी दूध निकाल रही है, लेकिन नज़दीक जो है जान नहीं देती मेरे को, तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर जाएंगे। बारिश जो है वो इतनी तेज़ नहीं आई, हल्की हल्की बारिश आई, लेकिन उसकी वजह से क्या है ना, तो कुछ काम होता है बाहर ना कुछ। और अभी जो खाद है वो बिखेरने का काम कर रहे थे भाभी यार, डेली थोड़ी थोड़ी जो है खाद डाल देते हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो भी नहीं किया। ये देखिए ये जो है ये बाढ़ करेला बोलते हैं इसको। तो दोस्तों मैं जो है अभी खेत से बाहर जंगल की साइड आ गया हूँ, तो मैं जो वीडियो है वो शूट करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ। दोस्तों वीडियो शूट मैं कर आया हूँ गार्डनिंग का, और इतनी ठंडी हवा आ रही है, बस पूछो बस शिमला के जैसे ठंडी मौसम, यानी कि अब टी शर्ट में इतनी तेज़ ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी इसलिए आ गया, मौसम भी ख़राब है, कहीं बारिश दोबारा से ना हो जाए। हाय के बना रहा आवाज़ खड़ी मंगोड़ी खड़ी खड़ी बन गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों अभी जो है मैं जिम से आया था थोड़ी देर पहले, उसके बाद जो है मैं रावियर को छोड़ के और फिर ऊपर जो है एक वीडियो एडिट करना था वो एडिट करके आया, फिर ना के अब जस्ट जो है हम जाएंगे मंदिर में, चिड़िया को जो दाना डाल के आता हूँ मैं वो डाल के आएंगे, और वहाँ एक पानी की मटकी अगर वो खाली हो गई होगी तो वो पानी की भर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों सामने देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए
दोस्तों अभी जो है पहले हम जो दाना है वो डाल के आते हैं, फिर वहाँ पे एक मटकी रखी है उसमें पानी डाल के आएंगे। चलिए ऊपर चल के दाने डाल देते हैं। चिड़िया का जो पानी है वो थोड़ा सा कम है तो उसमें पानी डाल के आते हैं थोड़ा सा। गर्मी जो है इस बार तेज भी है और कम भी है, यानी कि ज़्यादातर टाइम जो है बरसात के साथ या जो बादल का मौसम है उसमें ही निकल गया। अदरवाइज मई में अप्रैल में बहुत तेज़ गर्मी होती है, लेकिन इस बार जो है इतनी गर्मी नहीं रही। आप जो है जून के मंथ में देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे देखिए जो ये हमने एक प्लांट लगाया था और ये अंजीर का है। अंजीर बहुत हेल्थी होती है खाने के लिए। ये देखिए इसमें छोटी छोटी जो दो अंजीर है वो लग गई है। ये इसका फर्स्ट ईयर ही है, फर्स्ट ईयर में लग गई। बाकी प्लांट सारे जले जले से हो रहे हैं गर्मी की वजह से। गुलाब भी देखिए, गुलाब के देखिए कितने हैं, पूरा गुच्छा गुच्छा ये देखिए। और दोस्तों ये गुलाब की कटिंग जहाँ से मैं लेके आया था बेल की, उनके यहाँ पे इतने फूल नहीं थे जितने मेरे यहाँ पे आ रहे। देखिए पूरा गुच्छा ये गया, लेकिन गर्मी से एक है देखिए इस तरह से ख़राब हो गया। ये देखिए जल गए गर्मी से। कुछ इंसेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है, और कुछ गर्मी की वजह से जो फूल है खिल नहीं पा रहे, साइज़ जो है वो छोटा हो गया, जबकि बाद में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि गुच्छे में आते हैं, देखिए सारे गुच्छे गुच्छे आपको दिख रहे होंगे। और ये बेल जो है काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ये पूरे जाल पे फैल गई। और ये अमरूद देखिए फर्स्ट ईयर है इसका भी, और देखिए फर्स्ट ईयर में ही कमाल हो गई, इसने जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट कर दी। चलिए पानी इसमें वैसे तो है लेकिन थोड़ा कम है, हो सकता है कुछ चिड़िया को अच्छे से पहुँच ना पाए, तो हम इसको भर देते हैं पूरा। अब ठीक है दोस्तों, आप भी चिड़िया के लिए जो है पानी वगैरह ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों में और बहुत ही पुण्य का काम है। आप अगर इस तरह की मटकी नहीं मिलती है तो आप जो गड्ढे होते हैं पुराने उनको तोड़कर भी पानी रख सकते हैं, किसी और बर्तन में पानी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तंबूरा जो है वो पड़ गया, इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं तंबूरा। ये तंबूरा एक्चुअली में क्या है, जैसे घिया होती है उसी तरह से इसको खाया जाता है। और ये जो है यहाँ पे जांटी का पेड़ है जो मंदिर में उस पे लगा हुआ था, तो ये हवा से जो है टूट के यहाँ पे आ गया। अब बिल्कुल छोटा सा है, खाली है ये, ले चलते हैं चाचा जी को दिखाएंगे, क्योंकि ये बेल जो है चाचा जी ने लगा रखी है यहाँ पे। बाल्टी को यहाँ रख देते हैं। जो तंबूरो पड़ा था, तंबूरो एमबीज तो ना मेरे ख्याल से हड़को है, है कच्चा होगा। जय हो जय हो जय हो। और इस तो मैं भी चाचा जी के साथ थोड़ी देर बैठ के अखबार पढ़ता हूँ और फिर हम चलते हैं घर। घर ने कैसे सजाए दियो दोस्तों। अब चलते हैं घर, और घर जाके जो खाना है वो खाएंगे। धूप बहुत तेज़ होने लगी और शाम तक जो है मौसम ऐसा हो जाएगा जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन 2-2.5 बजे तक धूप पूरी तेज़ रहती है। इतनी तेज़ गर्मी है, और इस बार गर्मी में जो है रावी के मामा की शादी है जून में। और दोस्तों अभी मैं खाना खाता हूँ। आज का वीडियो जो है हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up.